नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के अंदर जैसे जैसे 2023 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारते हुए वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयास में है। उसी के तहत दक्षिण पश्चिम से वास्तविक भारत पार्टी के प्रत्याशी राजधानी के पत्रकार मोइन खान ने बताया कि इस विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनके लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें डॉक्टरों की एक टीम राजस्थान और हरियाणा से भोपाल आई थी, जिन्होंने लगभग 500 से ज्यादा नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के साथ साथ उन्हें दवाइयां भी उपलब्ध करवाई। मोइन खान के द्वारा यह निशुल्क कैंप आयोजित किया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आज प्रदेश की सरकार के द्वारा चलाई जा रही है डिस्पेंसरी या अस्पताल में सुविधा उपलब्ध होती तो यह कदम हमें नहीं उठाना पड़ता। वास्तविक भारत पार्टी पूरे जोर शोर से दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से मैदान में है। इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो बहुत ही रोमांचक होगा, क्योंकि जो वर्तमान पार्टियों की बात की जाए, कांग्रेस या बीजेपी दोनों ही पार्टियों से नाराज और रुष्ट प्रदेश की जनता चल रही है, क्योंकि इन्होंने अभी तक सिर्फ घोषणा और झूठ और कोरे आश्वासन ही दिए हैं। आज नागरिकों के सामने तीसरे विकल्प के रूप में यह पार्टी अपना परचम लहराने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। तो बताया इसकी रोकथाम किस तरीके से की जाएगी, इसके लिए लोगों को समझाया कैसे जाए कि मतलब आप इससे दूर रहें, दूरी बना के रखें। सर वो समझा देते हैं, लेडीज़ को हम समझा देते हैं कि मतलब ज़्यादा मिर्च मसाला ना खाए। मोस्टली ज़्यादा मिर्च मसाला खाने से उनको ये दिक्कत आती है, मिर्च मसाले से दूर रहें। और चाय से ज़्यादा दूर रहने के लिए बोला जाता है, चावल और ये चीनी वगैरह इनसे ज़्यादा दूर रहने के लिए बोला जाता है। जिनके घुटनों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, तो उनको खड़े होकर पानी पीने से मना किया जा रहा है, क्योंकि खड़ा होकर पानी पीने से हमारे घुटने ऑटोमेटिक खराब हो जाते हैं। दुनिया का कोई डॉक्टर इनको ठीक नहीं कर सकता घुटनों को, अगर हम खड़े होकर पानी पीते तो। हमें उबाल के बैठ के पानी पीना चाहिए, उबला हुआ ठंडा करने के बाद बैठ के पानी पीना चाहिए। तो देखा जाता है कि तो सर वो चटपटी चीज ही तो उनका नुकसानदायक चीज़ होती है, वो सभी उनको लीवर पर अटैक करती है डायरेक्ट। ये अगर हमने ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हैं तो उसमें वो चीज़ें हमारे हार्ट में अटैक करेगी डायरेक्ट, हार्ट अटैक आ जाता है किसी को। वो चुभन सी होती है, पिन सी चुभती है शरीर में, मोस्टली लीवर के आसपास दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है, तो ये मसाले वाली चीज़ों से ही होता है। मसाले पता नहीं क्या किस चीज़ से बनते हैं, खाने में क्या मसाला डल रहा है, तो सर उन सब चीज़ों से होता है सब चीज़। सर आप स्वयं डॉक्टर हो, आप अपने हस्तपुष्ट का क्या है, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो, अच्छा खाओ, अच्छा लोगों से बातचीत करोगे तो आप खुश रहोगे, ऑटोमेटिक स्वस्थ रहेंगे। युवाओं में किस प्रकार की बीमारी आपको देखने को? युवाओं में आजकल क्या है, ज़्यादातर नशे की तरफ युवा ज़्यादातर जा रहे हैं, और मेरे यहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे लोगों, लड़के जो हैं शराब गुटखा बीड़ी सिगरेट की तरफ जा रहे हैं। मैंने सभी से बातचीत की, आप इन चीज़ों को अवॉइड करो। कुछ लोग आए यहाँ पे लड़के कि उनका मुँह भी पूरी तरीके से नहीं खुल पा रहा है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है उनसे हमने बोला है कि भाई आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, ताकि आप अपने शरीर का ध्यान रख सके और अपने फ्यूचर का अपना ध्यान रख सके। मेरा नाम प्रदीप नारायण है और मैं पानीपत हरियाणा से। मैंने कहा पहले परिचय ले लूँ, कहाँ से हैं आप? भी हरियाणा से? कहाँ से हैं यहाँ पर, परिचय दीजिए। हरियाणा पानीपत से। अभी तक कितने पेशेंट आपके पास आ चुके हैं, लेडीज पेशेंट जो आपके कहीं चेक कर रहे हैं, किस प्रकार की बीमारियों का आपने उनको ट्रीटमेंट किया? सर मोस्टली लेडीज में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, लीवर फैट मिल रहा है, मोस्टली लेडीज़ में क्या हो रहा है कोलेस्ट्रॉल बड़ा मिल रहा है। जो ज़्यादा एज है उनके घुटनों में प्रॉब्लम है, हड्डियों की दिक्कत आ रही है, और ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे खान पान ऐसा हो रहा है कि मतलब मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, चिकन मटन ज़्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से मतलब ऐसा होता है उनको डायरेक्ट लीवर पर अटैक करती है सब चीज़ें। अगर हम मसालेदार चीज़ें खाएंगे वो हमारे हार्ट पर अटैक करेगी, हार्ट में प्रॉब्लम होएगी, लीवर ख़राब हो जाएगा, किडनी ख़राब हो जाएगी। सर सारी चीज़ों की जड़ ये है मसाला, और दूसरी बात ये चीनी जो होती है हमारी वाइट वाली शुगर, उसमें सल्फर होता है, तो उससे हमारी बॉडी में बहुत बहुत इफेक्टिव होती है वो हमारी बॉडी के लिए। सर और कुछ बोलना है? सर ये हमारी दवाएँ आयुर्वेदिक है, प्योर हर्बल आयुर्वेदिक है, जो बीमारियों को जड़ से ख़त्म करती है। थोड़ा टाइम इसमें लगता है, आयुर्वेदिक दवाई थोड़ा धीरे स्लो काम करती है। एलोपैथिक जैसे अभी लिया टेबलेट और आधा घंटे में ठीक हो गए, ये जो है सर
एक दवाई से कोई भी बीमारी को लेने के लिए अपने को इसमें एक दवाई काम नहीं करेगी, चार दवाइयों का कॉम्बो रहता है। जब कॉम्बो मिला के अपन उसको देंगे तो वो बीमारी को मेंटेन करके उसको ख़त्म करेगी। और एलोपैथिक बीच में से शुरू करती है, सिर्फ बीमारी रोकती है, काटती नहीं है। और आयुर्वेदिक है वो जड़ में जाके काम करके बीमारी शुरू कहाँ से हुई। आजकल सबसे बड़ी बीमारी में हमको देखने को मिली है शुगर, डायबिटीज सबसे ज़्यादा है लोगों के अंदर, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, ब्लड फैट ज़्यादा है, और लेडीज़ के अंदर बहुत जो कमज़ोरी आती है, खून की कमी, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है खान पान से। और मैं कुछ थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ सर लाइव में, कि जो ये चाय अपन पी रहे हैं सर, ये सबसे बड़ी बीमारी का कारण है। जो चाय, ये सबसे बड़ी बीमारियों का कारण है। चाय के अंदर जो दूध मिलता है और जो चीनी शक्कर मिलती है, ये दोनों को मिलने से चाय के अंदर डबल केमिकल कन्वर्ट हो जाता है। चाय में कैफीन होता है, कैफीन के अंदर जब जानवरों का दूध मिलता है तो उसे डबल केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, वो जहर बनता है सीधा। इससे अपनी इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है, डाइजेस्ट खराब हो जाता है। आजकल जो गैस्ट्रिक ज़्यादा रहता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम रहती है, खाना खाने के बाद डाइजेस्ट बिगड़ जाता है, सब चाय का खेल है। भूख नहीं लगना, लीवर फैटी होना, सब चाय का काम है। तो हम इसी तौर पे सर से बात की, सर हम कैंप लगाएं, कुछ चीज़ों का हम जो छुटकारा दिलाना चाहते हैं, लोगों को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं। तो हमारे पास जितने भी हमने चेकअप किया, सबको हमारा यही एक आग्रह था कि चाय छोड़ो। उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि हमारा ये जो कैंप लग रहा है, इसका हमारा हेड ऑफिस है बाग सेवनिया में, और यहाँ पे इस ये कैंप पूरे भोपाल शहर में लग रहा है, भोपाल शहर के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में लगेगा। और जो ये हम लोग ये पर्चे भी बांट रहे हैं, इस पर एड्रेस वगैरह लिखा हुआ पूरा हमारा, ये हमारा अस्पताल है यहाँ पे, ये हमारे इसमें पूरा एड्रेस दिया हुआ, जो भी पेशेंट आ रहे हैं हम उनको ये पंपलेट दे रहे हैं, जिस पंपलेट के माध्यम से वो हमारे अस्पताल पहुँच सकते हैं और वो वहाँ पे एडमिट भी हो सकते हैं अगर होना चाहें। वैसी भी हमने व्यवस्था कर रखी है, और वैसे तो हम लोग आपकी सुविधा पूरी हमने ऐसी सुविधा रखी कि कोई अगर व्यक्ति कोई आता है, क्योंकि हमने मात्र एक दिन का कैंप लगाया था, पर उस एक दिन के कैंप में हमें रिस्पॉन्स ऐसा मिला कि हमको उसको कैंप को बढ़ा के तीन दिन का कैंप करना पड़ा। लोगों को दवाइयों, एक दिन की दवाई एक खुराक में लोगों को पता चला, तो कितने मरीज पहुंच गए सैकड़ों की तादाद में मरीज आ चुके हैं। आज तक की डेट में अगर हम बात करें तो कम से कम 150-200 पेशेंट तो हम यहाँ देख चुके हैं। इसके अलावा भी जो हमारे कैंप लगे तो कम से कम 500-700 लोगों को हम भोपाल शहर में ही देख चुके हैं, और भी हमारा कैंप आगे भी लगने वाला है। दो तीन दिन के अंदर दूसरी जगह हम इसको कैंप को लगाएंगे, और दूसरी विधानसभा में, हमारी विधानसभा के दूसरे क्षेत्र में, और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ पहुँच सके। और आपके मीडिया के माध्यम से मैं पूरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा और पूरे भोपाल के क्षेत्रीय रहवासियों से कहना चाहता हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो हम जिस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं आप हमें बता सकते हैं, हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कैंप लगवाना हो या किसी प्रकार की गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हो और आपका इलाज नहीं हो पा रहा, तो आप हमसे संपर्क करिए, हम ज़रूर आपकी समस्या को हल करने की कोशिश करेंगे। जी दूसरी चलिए, आज आपने स्वास्थ्य पार्टी के अंदर तरह एक कैंप लगाया था, मेडिकल कैंप, जिसके अंदर कितने पेशेंट आए हैं, क्या सुविधाएं दी गई, किन किन प्रकार के इलाज के लिए यहाँ पहुँचे हुए, ये जानकारी आपको डॉक्टर से मिली। जी सर नमस्कार, मैं ऑलरेडी राजस्थान से हूँ, बट आज वास्तविक भारत पार्टी के दक्षिणी पश्चिम विधानसभा के प्रत्याशी मोहन खान जी द्वारा जो निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप जो लगाया गया है, उस कैंप में हमारे पास में आज हर तरह की बीमारी, आजकल जो मौसमी बीमारियां ज़्यादा चलती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है, मेरे पास आज मैंने जो चेकअप किया, तीन दिन से इनकी तरफ जो हमने कैंप लगाया है, इनकी सेवाएँ जो हम दे रहे हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा, जो ये पार्टी बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है लोगों की सेवा के लिए, हमें भी बड़ा अच्छा लगा और खुशी हुई कि इन्होंने हमें वहाँ से बुलाया। राजस्थान से आने के लिए सर 36 घंटे लगते हैं, हम वहाँ से आते हैं, मगर इन्होंने हमें वहाँ से निमंत्रण दिया कि आप आओ, और ये जो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, लोगों की सेवा के लिए निःशुल्क एक इन्होंने कैंप लगवा के फ्री सेवा चेकअप हमने किया, तो हर तरह की बीमारियाँ यहाँ हमें मिली, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई, लीवर में प्रॉब्लम, लीवर फैटी, ब्लड प्रॉब्लम, ब्लड फैट, लोगों में घुटनों में समस्या, ब्लॉकेज की समस्या, ये सबसे ज़्यादा जो है वो चल रही है। इसी तौर पे हमने जो चेकअप किया, इन्होंने हमारी सपोर्ट की, बोला लोगों की सेवा करो, चेकअप करके ट्रीटमेंट करो, तो हम लगातार ये चाहते हैं इसी पार्टी से कि आप इसी तरह लोगों की सेवाएं
जो कराएं, हम आपके साथ में खड़े हैं। और लोगों को ये बोलते हैं कि सबसे अच्छी जो वास्तविक भारत पार्टी वालों ने जो ये एक मुहिम चलाई है, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो आप सब हमारी उनकी सपोर्ट करें और हम भी साथ में। सर हमने कम से कम 3 दिन में 150 पेशेंट को चेकअप किया है, 150 पेशेंट हमने चेक किए। आज के दिन में हमने कम से कम 70 पेशेंट चेक किए, सुबह 10 बजे लगा के 2 बजे तक। कल हमने 80% चेक किए, परसों हमने थोड़े कम पेशेंट चेक किए, लेट भी आए थे, हम लेट हो गया था। तो इनका जो हमारे लिए जिन तरह है, हम इनके बहुत बड़े आभारी हैं जो इन्होंने लोगों को। कहेंगे ना, इनका काम है कहना, लोगों का काम है कहना और हमारा काम है करना। हमें जब वक्त मिलेगा, जैसा वक्त मिलेगा, हम हमारे वक्त के हिसाब से काम करेंगे। पार्टी क्या कहती है उससे हमें मतलब नहीं, बीजेपी जो बोलती है करती है, कांग्रेस जो बोलती है करती है या नहीं करती, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारा उद्देश्य था जनता तक पहुंचना, जनता को सुविधा देना, जनता की मदद करना। उस माध्यम से हम जनता के बीच में हैं और जनता की मदद लगातार कर रहे हैं। मैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा की और पूरे भोपाल के रहवासियों से मैं निवेदन करूँगा कि इस बार वोट दें तो बहुत सोच समझ के दे। आपके वोट से ही सरकार बनती है और आपको घंटों घंटों मंत्री और विधायकों के बंगलों के बाहर बैठना पड़ता है। मैं आपके बीच का हूँ, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपका क्षेत्रीय रहवासी हूँ। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती तो वैसे ही मैं आपके साथ 20 साल से सक्रिय हूँ राजनीति में और आगे भी आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के चलूँगा। मैं नेता नहीं हूँ ना मैं कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हूँ, पर मैंने पहली बार सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना है, जनता का जो जनप्रतिनिधि बनना है और जनता की सेवा करने के लिए मुझे इस राजनीति पे कदम रखना पड़ा और मुझे बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है दक्षिण पश्चिम विधानसभा की जनता से। हमने जिस प्रकार से उम्मीद नहीं करी थी उस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पे आए और हो सकता है ये स्कैम को हमको और आगे बढ़ाना पड़े और जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। मेरे पूरी जनता से मेरा बहुत बहुत आभार, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे समय दिया और आप मेरे कहने पर हमारे कैंप में आए। और बस आपके जहन में ये सारी चीजें कैसे निकल कर आई कि क्या यहाँ सुविधाएं नहीं मिल पा रही है प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य सुविधाएं केंद्रों के अंदर, आपको क्या लगा क्या अचानक आपके मेडिकल कैंप लगाने लगे? जैसे कि मैं आपको बता दूं, बात आपने जो करी सुविधाओं की, अगर सुविधाएं मिल रही होती तो मुझे एक पत्रकार को राजनीति में कूदने का कोई मज़ा नहीं आ रहा मुझे, पर मैं राजनीति में कूदा क्योंकि प्रदेश सरकार में जो अभी बैठी है शिवराज सरकार, कांग्रेस सरकार भी सत्ता में रही, उन लोगों ने जनता को कोई फायदा नहीं दिया। आज के डेट में सरकारी अस्पतालों में चले आओ, प्राइवेट अस्पतालों में चले आओ, हालात देख लो, डॉक्टर क्या कहते हैं वो देख लो, वहाँ की व्यवस्थाएँ देख लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कितने लोग परेशान हो रहे हैं, हैरान हो रहे हैं, जिसके चलते आज मुझे रोड पर उतरना पड़ा और हम पूरे विधानसभा क्षेत्र में जगह जगह कैंप लगवा रहे हैं और निःशुल्क कैंप है ये। इसमें हर प्रकार की जांचें करवा रहे हैं हम लोगों की, वो पूरा और शरीर की जाँच हो रही है, हर प्रकार की जिस किसी भी प्रकार की उनको बीमारी है उस बीमारी का यहाँ पे इलाज के लिए हमने डॉक्टर बुलाया है। डॉक्टर हरियाणा से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश के भी डॉक्टर आए हैं, महिला डॉक्टर भी हमारे पास हैं। मध्य प्रदेश में जब सुविधाएं नहीं मिल रही तो हमने बाहर के डॉक्टरों को बुला के हमने ये मुहिम छेड़ी है और पूरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जगह जगह हम ये स्वास्थ्य कैंप लगाएंगे और लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं उस असुविधाओं को दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। स्वास्थ्य रहेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।